हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी गुड मॉर्निंग देख लो, कितने बजे हो रही है। 15:43, 3:43 पे गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा तबियत खराब था और इसी वजह से मैं सोया हुआ था। मैंने सुबह नहाया नहीं हूँ मैं अभी, थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, इसके बाद थोड़ा मंदिर जाके आते हैं और इसके बाद जीतू को लेने जाना है आज का वीडियो एडिट करने के लिए। और आज का वीडियो जो होने वाला है, मैं अभी जस्ट शूट कर रहा हूँ और आज का क्या ट्रेड रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे आज, और आज के बाद जो व्लॉग्स रहेंगे वो प्रॉपरली शूट करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि पहले मैं प्रॉपर बना नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी अभी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है तो अभी प्रॉपर वो पता नहीं चल रहा था कैसे बनाना है। बट अभी देखते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे ठीक से, अच्छी तरीके से। थोड़ा सा हुलिये को थोड़ा ये करना, हुलिये चेंज कर लेते थोड़ा, और उसके बाद फिर अभी निकलते हैं मंदिर। और फिर मंदिर पे जाने के बाद उसे लेने भी जाना है, उसे लेके आते हैं। वो स्कूल में गया हुआ है, उसके सॉरी वो कॉलेज में गया हुआ है, उसकी कॉलेज है। तो जैसे उसके कॉलेज खत्म होती है उसका फोन आया, उसको लेने जाना पड़ेगा, उसे लेके आते हैं और फिर हम आज का ब्लॉग करते हैं शूट। तो मैं अभी थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ और मेरी जो कार है मैंने यहाँ पे पीछे गार्डन के अंदर लगाई थी, तो क्योंकि यहाँ पे छाव है इसलिए, और आगे थोड़ा धूप था, आगे बहुत ज्यादा धूप थी इसलिए कार को यहाँ पे लगाई थी मैंने। अभी मैं आपको मेरा जो घर है वो भी दिखाता हूँ बाहर से। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि उनको मेरा घर देखना है, तो इसलिए मैं अभी मेरा जो घर है वो आपको बाहर से दिखाता हूँ। और बाय द वे ये इलेक्ट्रिक कार है, 2-3 लोगों ने पूछा था क्वेश्चन कि कौन सी है, इलेक्ट्रिक कार है सिट्रॉन की, इससे बहुत ज्यादा साइलेंट है। तो ये मेरा घर है यहाँ पे, ये फर्स्ट नंबर का ये वाला, ये पीछे के साइड है, ठीक है। अभी मैं आगे से दिखाता हूँ, तो ये रहा देखो, ये पूरा ये जो साइड है यहाँ पे गार्डन है, और वो ऊपर हमारा रूम है जो वो कांच लगे हुए हैं वो वाला, जहाँ जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। और नीचे एक हमारी शॉप है, छोटी सी किराना शॉप थी ये पहले, अभी मैंने बंद करके रखी है उसे, क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें टाइम नहीं मिलता घर पे, तो इसलिए ये घर है। आगे भी एक पार्किंग है और साइड में भी एक पार्किंग थी, और यहाँ से हम स्ट्रेट हमारा मंदिर पे जाते हैं हम। सो यहाँ पे भी एक मंदिर है जो अभी जस्ट रिसेंटली बना है, और मैं जो मंदिर पे जाता हूँ मैं पहले से उस मंदिर पे जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर उसी मंदिर पे जाया करता हूँ, तो इसलिए हम वहीं पे चल रहे हैं अभी। और फिर मैं हर रोज़ आते वक्त मैं इस मंदिर पे भी जाके पैर पड़ के आता हूँ, बट हम वहाँ पे जाएंगे उस मंदिर पे जहाँ पे मैं हर दिन जाता हूँ। सो वो जो मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैं जाता हूँ। ये है वो मंदिर, मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, ये रहा। तो मैं अभी थोड़ा पूजा कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम जीतू को लेने जाना है, और हमें मेरा पास्ता भी खाना है, तो मुझे पास्ता खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सुबह ट्रेड लिया, उसके बाद मैं सो गया था, और उसके बाद मेरा भाई जो है वो ट्रेड पे ध्यान दे रहा था कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो वो मुझे उठा देने वाला था, तो बट ट्रेड एकदम परफेक्टली चला, तो उसके अंदर कुछ भी इशू नहीं हुआ। इशू क्या होता है, मोस्टली जो ब्रोकर का इशू होता है मुझे उसका रहता है, तो इसलिए कोई ना कोई बंदा वहाँ पे बैठा ही होता है पूरा टाइम, सिस्टम को वॉच कर रहा होता है, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो उस वक्त कोई ना कोई वॉच कर ही रहा होता है, क्योंकि आजकल ब्रोकर्स के इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखता हूँ कि वहाँ पे कोई ना कोई हो जो देख रहा हो, सिस्टम पे बैठा हुआ हो, इसलिए। तो अभी मैं पूजा कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं घर। तो हम अभी आ गए हैं हमारे सेटअप के ऊपर, और आज का जो ट्रेड था मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने आपको दिखाता हूँ कि आज के मार्केट का मेरा एनालिसिस क्या था। आज के मार्केट का मेरा वही एनालिसिस था कि लाइक ये कल का जो हाई और लो बना था, तो मैं चाहता था कि इसके अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो एक बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, बट आज भी मार्केट उसी रेंज के अंदर रहा है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेंगर स्ट्रैडल डिप्लॉय किए थे। इसके बाद मार्केट नीचे गया, इसको ब्रेक किया, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया, बट यहाँ पे जब ब्रेक किया इसने तो इसके बाद यहाँ से तुरंत रिवर्सल आ गया, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट था, इसके बाद रिवर्सल आया और मेरा इधर एक साइड का ऐसे लूट हुआ और इधर दूसरे साइड का भी ऐसे लूट हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक पोजीशन बनाया लास्ट में, जिससे कि मैंने जो कि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया था उसको कोरिलेट कर रहा था, तो उससे क्या हुआ कि कोरिलेशन वाले से क्या होता है कि पहले में अगर आपका लॉस हुआ है तो दूसरा वाला वो रिकवर करता है, तो इसमें मेरा जो आज लॉस
लॉस रिकवर हुआ वो आज मेरा जो ओवरऑल लॉस रहा है वो 3049 रुपीज का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल जो ये लॉस था वो 9000 रुपीज का था, मतलब कि 1% का, बट ये मैंने 0.30% हो गया है घट के। तो ये जो लॉस है वो गुड लॉस है, क्योंकि ये मेरा जो रेंज है, मतलब मेरा जो डेली का जो लॉस का लिमिट है उससे बहुत कम है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी बात करते हैं कि जो ड्रॉडाउन है मेरी स्ट्रेटेजी कितना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरी स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन कितना है। ड्रॉडाउन यानी कि क्या होता है वो पहले आपको बता देता हूँ। ड्रॉडाउन यानी कि अगर लगातार आप लॉस करते रहते हो, लगातार आप बहुत दिनों तक लॉस करते रहते हो, तो कितना लॉस हो सकता है इसे ड्रॉडाउन कहते हैं। तो अगर आप अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी में लगातार एक दो हफ्ते तक लॉस करते रह रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे ड्रॉडाउन कितना होगा, यानी कि एंड लेवल कहां तक जा सकता है वो। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है इसका मैं ड्रॉडाउन किस तरीके से बता रहा हूँ आपको, मैंने बैक टेस्ट भी किया है और मैंने बहुत सारा फॉरवर्ड टेस्टिंग कर चुका हूँ मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर, मतलब बहुत सारा लाइव मार्केट में ट्रेड कर चुका हूँ, तो उसके रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो मेरा 10 लाख रुपए का कैपिटल है इसके ऊपर मैं 50,000 रुपए के ड्रॉडाउन में जा सकता हूँ, यानी कि 50,000 रुपए यानी कि मेरे कैपिटल का 5% मैं लॉस कर सकता हूँ ओवरऑल कैपिटल के ऊपर। तो जो मेरा ओवरऑल कैपिटल है, मतलब कि लगातार अगर लॉस होते रहता है तो मैं 5% लॉस कर सकता हूँ मेरे कैपिटल का। तो ये मेरा जब ड्रॉडाउन होता है तो ये मेरा ड्रॉडाउन का अमाउंट है, जो कि बहुत सारे लोगों को जानना था। तो यहाँ तक मैं लॉस कर सकता हूँ, और मेरा जो ड्रॉडाउन है 5% का वो एकदम मीडियम रेंज में आता है, कि जिसमें मतलब बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। 10% के ऊपर अगर रहता है तो मैं उसे बहुत ज्यादा मानता हूँ, अगर वो 5% के पास में है तो अच्छा है, और प्रॉफिट रेशियो भी एक अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि प्रॉफिट रेशियो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 4-12% के अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं हम मंथली बेसिस पे। तो 4-12% का रिटर्न मेरा एवरेज बन जाता है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। अगर मैं आपको 10 लाख के कैपिटल पे बताऊं तो 10 लाख के कैपिटल पे मैं 40,000 से 1,20,000 के रेंज के बीच में बनाता हूं। इसके अंदर अगर बोलने जाए तो ब्रोकरेज की बात करें हम, तो मैं फिनवेशिया यूज कर रहा हूं तो इसके अंदर मुझे 0 ब्रोकरेज लगता है, बट अगर आप ब्रोकरेज वाला सिस्टम यूज करते हो तो आप 1% ब्रोकरेज के अंदर पकड़ कर चल सकते हो, हर महीने का 1% आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो उसमें से 1% आपका ब्रोकरेज में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रायंगल सेल कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल सेल करते हो बाद में उसको कम करने के लिए आप हेजेस भी बाय करते हो दो, तो ये एक होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना होता है कि अगर आप ब्रोकरेज वाले अकाउंट में कर रहे हो तो आपको आपका ऑब्वियसली 1% कम ही बनेगा, जो भी एवरेज बन रहा है उससे आपका 1% कम बनेगा। तो इस वीडियो के अंदर आई होप कि आपको सारी चीजें पता चली होगी, मेरा ड्रॉडाउन क्या है और वो सारी चीजें। इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, बाय बाय।